आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ए व्हीकल वर्क। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो किसी व्हीकल के अंदर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे जो है वर्क करते हैं। ठीक है, सो ओवर आंसर देखिए, हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स होते हैं, हाइड्रो ब्रेक्स जो है वो जनरली आपके यूज किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, लाइक आपके जो हैवी व्हीकल्स, लार्ज मास वाले जो व्हीकल्स हो गए, जैसे आपकी कार हो गई, ठीक है, कार हो गए या फिर ट्रक्स हो गए, ठीक है, ट्रक्स हो गए एक्सेट्रा, ठीक है, इन सब के अंदर जो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हैं यूज किए जाते हैं। होता क्या कि मान लो कि आपके जो ये लार्ज व्हीकल्स हैं, कार हो गए, ट्रक्स हो गए, ये जो हैं वो हाई स्पीड जैसे क्या करते हैं आपके मूव करते हैं हमेशा, ठीक है। सो अगर अब आपको अगर इनको रोकना तो आपको क्या चाहिए, आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिटार्डिंग फोर्स चाहिए, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिटार्डिंग फोर्स की आपको जरूरत पड़ेगी इसको इनको रोकने के लिए, ठीक है। सो इस प्रकार की सिचुएशन में क्या करता है कि जो कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स जो होती है, ठीक है, वो कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन व्हील्स ऑफ द व्हीकल, ठीक है, व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं उनके ऊपर जो है अप्लाई नहीं किया जाता बाय ऑर्डिनरी लेवल ब्रेक्स, ठीक है। सो वहाँ पे आपका क्या किया जाता है, वहाँ पे आपका जो है जो हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स जो है वो यूज किया जाते हैं व्हीकल के अंदर, ठीक है। एंड ये जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो काम करता ऑन वर्क करता ऑन प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है, पास्कल्स लॉ, ठीक है। एंड पास्कल्स लॉ क्या होता है, पास्कल्स लॉ मैंने आपको पहले बताया था कि मान लो कि आपके पास जो है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मान लो कि आपके पास जो है एक पास्कल्स लॉ, ठीक है, एंड यहाँ पे पास्कल्स लॉ के अंदर मान लो कि आपके पास जो है ये एक जो है इस प्रकार की बीच सबकी ट्यूब, आपने इसके अंदर जो है इस प्रकार से इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भर दिया, यहाँ तक आपने भर दिया, ठीक है। अगर आप इस लिक्विड की इस तरफ अगर आप जो है पी1 फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इधर, ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, हमने मान लिया डी1 डिस्टेंस जो है वो नीचे आ चुका है, ठीक है, क्या आ गया, यहाँ से हमने ऐसे मान लिया कि जो है डी1 डिस्टेंस नीचे आ गया, ठीक है। सो अगर ये यहाँ से डी1 डिस्टेंस नीचे आएगा तो इधर से क्या होगा, इधर से मान लो इधर ये वाटर का प्रेशर क्या लगेगा, इधर से ऊपर की तरफ एक वाटर पर ऊपर एक प्रेशर लगेगा, और इसे हमने P2 मान लिया मान लो, ठीक है, और ये हमने मान लिया कि इधर जो है ये डिस्टेंस D2 जो है ऊपर खिसक गया, ठीक है। सो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, पास्कल्स लॉ आपका यही बोलता है कि अगर आप जो है किसी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के ऊपर अगर एक्सटर्नल प्रेशर या फिर फोर्स लगाते हो तो वो प्रेशर या फोर्स जो है वो क्या करता है, वो आपका जो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जो होता है उसके प्रत्येक पॉइंट पर जो है वो सेम इक्वल जो है अप्लाई होता है, वो क्या होता है, इक्वल अप्लाई होता है, ठीक है। एंड आपके जो हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स जो है वो भी किस पे काम करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो भी पास्कल्स लॉ के ऊपर ही जो आपके वर्क करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स आपने जो है ये जो व्हीकल्स हैं, कार हो गए, ट्रक्स, इनके अंदर काफी देखे होंगे जिनके अंदर क्या होता है आपके पास जो जिंदगी अंदर आपके जस्ट पहले पेडल लगा होता है, ठीक है, पेडल लगा होता है, पेडल लीवर्स होते हैं, पेडल ब्रेक ऑयल्स होता है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो जहाँ पे आपके पेडल्स होते हैं, ठीक है, पेडल्स के पास में यहीं पे आपके पास जो ब्रेक ऑयल्स होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास जो ब्रेक ऑयल्स के यहाँ पे आपके पास एक मास्टर सिलेंडर होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स के अंदर क्या होता है, एक मास्टर सिलेंडर्स होता है, ठीक है, एंड पेडल्स होते हैं, मास्टर सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, एंड लास्ट में यहाँ पे आपके पास जो है जो आपका पहिया होता है उसके पास में आपका जो है एक ब्रेक सिलेंडर लगा होता है, ठीक है, ये सब जो आपके हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स को जो है उसकी कंस्ट्रक्शन में जो है होता है, ठीक है। सो हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स को आपको क्वेश्चन से सिंपल इतना पूछा था कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है जो व्हीकल्स के अंदर जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो काम करते हैं वो जो है कौन से प्रिंसिपल पे जो है काम करते हैं, ठीक है। सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑन प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। सो आपका आंसर हो गया सिर्फ ये कि प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। आपको केवल इतना ही पूछा गया था कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो है व्हीकल्स के अंदर वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।